अस्सलाम वालेकुम, आई एम जुहेब फ्रॉम जुहेब मशीन्स। जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं कि हम आज आपको अल्ट्रासोनिक मशीन के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम ये देख लेंगे कि ये मशीन किस तरीके से ऑपरेट होती है, उसके बारे में मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल्स बता दूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉली प्लास्टिक बैग्स जो हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बैन कर दिए गए हैं। अब इनको इनके अंदर कोई भी चीज़ डालकर अपनी प्रोडक्ट सेल करना पाकिस्तान भर में बैन है। नॉन वोवन मटेरियल के बैग्स बनाना बहुत आसान है। आप इससे जस्ट अपने 3 से 4 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और राइट नाउ अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की, क्योंकि ये पाकिस्तान भर में इस वक्त हर शख्स की ज़रूरत बन चुके हैं। नॉन वोवन बैग्स अपने स्टोर्स पर रखना, आप बहुत ही छोटे पैमाने पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट 4 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप महीने का लाखों कमा सकते हैं। इस मशीन के साथ आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बेसिकली रोल्स हैं जो कि आपको रॉ मटेरियल के हिसाब से मिलते हैं और आप ये होल सेल में बाय कर सकते हैं। इस बिज़नेस के लिए हमें एक अल्ट्रासोनिक मशीन रिक्वायर्ड होगी, एक हमें हैंडल पंचिंग मशीन रिक्वायर्ड होगी, इसके बाद एक हमें डी कट मशीन रिक्वायर्ड होगी। ये तीनों मशीन्स लगाने के बाद आप एक अच्छा मकूल रोज़गार कमा सकते हैं। मज़ीद इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इस वक्त इसका रोलर अटैच किया जा रहा है और इसके आगे इसका एक फोल्डर अटैच किया जा रहा है जिससे हम हैंडल्स बना सकते हैं। ये भी आपको अटैच करने के बारे में बताएंगे। ये इसका बेसिकली रोलर है, ये आप अपने नाम का भी बनवा सकते हैं। ये बेसिकली रोलर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसको अटैच करने की कम्प्लीटली वीडियो, किस तरीके से ये अटैच होगा, सब कुछ आपको इसके इंशाल्लाह इसके अंदर बताने की कोशिश करेंगे। आप अपनी कंपनी के नाम का बनवा सकते हैं, वट एवर आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसके नाम के ये हैंडल्स आपके प्रिंट होते जाएंगे। इसके साथ साथ रोलर लगा देने के बाद हमारे पास ये एलन की होगी जिसके साथ हम इसको बंद कर देंगे। बंद कर देने के बाद इसके आगे जो आपको इस वक्त एक फोल्डर लगा हुआ नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये हमारा नॉन वोवन फैब्रिक जो है वो जा रहा है। ये बेसिकली इसकी प्रेशर गेज है, आपने जो अपना फैब्रिक है उसके ऊपर आपने कितना प्रेशर देना है उसके बारे में बताया जा रहा था। एंड देन अब ये बताया जा रहा है कि ये बेसिकली इसका फोल्डर है और फोल्डर के अंदर आपने किस तरीके से कितना इसकी विड्थ रखनी है ये फोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। फोल्डर के अंदर डिफरेंट साइज़ आते हैं। ये देखिए प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें कितना नीट तरीके से इसने ये काम किया है। यहाँ पे व्हाटएवर कुछ भी लिखा हुआ है आप अपना नाम वगैरह प्रिंट करवा सकते हैं, अपने बिजनेस का, आपकी कोई भी शॉप है, कोई भी ब्रांड है, ब्रांड नेम आ सकता है यहाँ पे आपका। ये इसकी एडजस्टमेंट है। और ये एक ही मशीन आपके हैंडल्स भी बना देगी और एक ही मशीन आपके नॉन वोवन बैग्स को स्टिच भी करेगी। बेसिकली ये देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगता है जिस तरह एक स्टिचिंग मशीन है, लेकिन ये स्टिचिंग नहीं है, ये अल्ट्रासोनिक मशीन है जो कि आपके बैग्स वगैरह को बहुत ही नफासत के साथ स्टिच कर देगी।
यहाँ पर अब हम बैग स्टिच करने के लिए इसके रोलर को चेंज कर देंगे। रोलर जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि इसके अंदर डिज़ाइन बना हुआ है। इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस के रोलर्स भी आते हैं, वो भी आपको आगे दिखा देते हैं वीडियो के अंदर। ये आप देख सकते हैं इसमें डिज़ाइन बनाया। अब आपको एक बैग रेडी करके दिखाते हैं। ये जस्ट टेप यहाँ पर इस वजह से लगाई जा रही है कि जस्ट हमारे पास एक साइज़ आ जाए कि हमने जितने भी हमारे बैग्स होंगे उनको स्पीडीली जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारा साइज़ जो है वो इक्विवेलेंट रहे, कोई बड़ा या कोई छोटी जगह पे स्टिच ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं इसके स्टिचिंग को। जो डिज़ाइन हम इसको देंगे, जिस डिज़ाइन का रोलर हम डालेंगे उसी तरीके का ये डिज़ाइन बनाएगी और बहुत ही स्पीडीली जो है ये एक बैग तैयार हो जाता है। और इसके जो एक्स्ट्रा साइड से नॉन वोवन फैब्रिक होता है उसको मशीन ऑटोमेटिकली कट कर देती है। ये आप देख सकते हैं हमारा एक बैग रेडी हो गया। जी तो जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, ये हमारी अल्ट्रासोनिक हैंडल फिक्सिंग मशीन आ गई, जो कि हमें अब हैंडल को पंच करने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग कर देने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जस्ट हमने वन टाइम उसको पंच किया और वो बहुत अच्छी ग्रिप के साथ इसको पंच कर देगी आपके बैग के साथ। बहुत इजी टू यूज़ मशीन्स हैं, कोई भी इन मशीन्स को यूज़ कर सकता है। कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह लेने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं बहुत इजी है। जस्ट नीचे आपने जो आपने हैंडल्स बनाए थे पहली वाली अल्ट्रासोनिक मशीन से, जस्ट आपने उसी वही हैंडल्स जो हैं वो कट करके इसके नीचे रखने हैं और जस्ट वन पंच में ये ग्रिप कर देगी। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड मशीन की जानिब। ये अल्ट्रासोनिक डी कट मशीन है। ये भी इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जिन बैग्स के अंदर आप हैंडल को नहीं लगाना चाहते, एक्स्ट्रा हैंडल को, ये बेसिकली डी कट बैग्स आपने मार्केट में देखे होंगे और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जस्ट आपने इसके नीचे रखना है और वन टाइम इस मशीन को प्रेस करना और ये डी कट मशीन बना देगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।